जय माँ। जय माता जी की बेटे। अभी वर्तमान कहाँ से बोल रहे हैं बेटे आप? नागपुर से, नागपुर महाराष्ट्र। हाँ। और प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे थे बेटे? माँ कुछ दिन से, 4-5 दिन से मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है ना। हाँ और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा बच्चा बता देगा और देखो। बच्ची की भी और बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं है। और उसमें क्या बोलते हैं, नाखून ही में दिखता है। बाकी कुछ ने सब सारा जो भी कमाते हैं हम लोग है ना, वो सारा दवाई दारू में जाता है, बोले तो दवाई मेडिसिन में जाता है ना। तबीयत किसी की दवा में रहती नहीं। जाता है कि दारू में? नहीं, कहने का मतलब है दवा मेडिसिन में जाता है, डॉक्टर और मेडिसिन में जाता है, दारू में नहीं। और दवा हाँ, वो ये इसमें बोला तो मुझे कोई शौक नहीं है ना। तो अच्छा। हाँ आप बिना, मैंने सुना कि आप बिना पूछे आप सब कुछ बता देते हैं ना। हाँ हाँ ना बेटे, तो आवश्यकता बताइए अभी। होती है मुझसे पूछ मतलब, लेकिन मेरा मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि बेटे जो बात कर रहे हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है, क्या प्रश्न है उनका, क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ माँ कि मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा घर सुखरूप रहे, सुख शांति से ये रहे और धन संपन्नता से रहे। दूसरे बात, मेरे यहाँ सुख शांति समाधान और घर के सभी के विचार आपस में मिले। दूसरी बस बात, बस 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 और सभी की तबीयत ठीक रहे। आपके घर में और आपके परिवार में, आपके जीवन में जो दुख का कारण है वो घर में अशांति अशुद्धता का कारण है। घर में आप जैसे चार सदस्य हैं तो चारों का मत एक नहीं है। कोई पूर्व में है, कोई पश्चिम में है, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। सबको समेटने के चक्कर में आप बुरे हो जाते हैं बेटे। और रही बात यह है कि अभी वर्तमान की स्थिति में बारिश भी ज्यादा हो रही है, ठंड के कारण तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो ही जाता है, लेकिन जो असाध्य रोग के जो योग हैं तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपना अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं, बेटी के बारे में और खुद के बारे में और बच्ची के बारे में, अभी सबसे आने बच्ची के बारे में भी और मेरे बारे में और मेरे बीबी के बारे में, तबीयत के। हाँ तबीयत के बारे में। तबीयत के और बाकी सब कुछ भी ठीक होना चाहिए हाँ, ऐसे से। तो बेटी के जो आपकी बेटी जो है बड़ी सिद्धांतवादी थी हाँ और अभी उसका मन बड़ा विचलित हो रहा है, स्थिर मन नहीं लग रहा है, सटीक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो रहा है बेटी का मनुष्य। ये थोड़ा बहुत इष्टिक है ये बेटी आपकी, देवी का जो कहना है स्पष्ट रटपट कह देती है, मन में इसकी छल कपट नहीं है। लेकिन कभी कभी मन इतना विचलित हो जाता है इसका कि ये सटीक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाती, सिर में और आंखों में तकलीफ होगी इसके। हाँ, हाँ और सिर आंखों में तकलीफ होगी, इसका मूल कारण भी मैं बताऊंगी और उसका निवारण भी बताऊंगी, और वो निवारण आप कर लेंगे क्योंकि मनोस्थिति का जो भाग्य चक्र मैं देख रही हूँ, इसके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है बेटी, लेकिन मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं प्राप्त करती, और उसका मूल कारण है काल दोष इस बेटी को है। और काल काल दोष। दोष, हाँ काल दोष से इसका जीवन मुक्त होना चाहिए, तब इसके जो आंखों में और मस्तिष्क में जो गड़बड़ी के योग बन रहे हैं वो योग इसके दूर होंगे। विशेष ध्यान देना है बेटे आपको इसके मस्तिष्क के लिए और आंखों के लिए। कभी कभी इसका मन इतना विचलित काल दोष हो बोले तो जाता क्या क्या बोल सकते, क्या काल दोष बोले तो। है, काल सर्प दोष। अच्छा काल सर्प दोष। अच्छा हाँ
जिस कारण से इसका मन जो है स्थिर नहीं रुकता है एक जगह, और बार बार एक्सीडेंट से बचती है ये बच्ची। हाँ, लोहे से इसको सावधानी बरतना है। इसको नाम क्या बताए थे आपने बेटे? देविका। देविका, अच्छा। काल सर्प दोष रहित है इसका जीवन बेटी का, तो अच्छे विद्वान देख करके और जो साधक सिद्ध महापुरुष हो तो उनसे आप माँ भगवती की कृपा से इस बेटी को ठीक होने का योग बनाने का प्रयास करें। काल सर्प दोष की इसको शांति करवावें। और विशेष पूछना चाह रहे थे इसके विषय में, वो भी बताइए आप। विशेष इसको आयुष बनना है इसको, तो आईएएस ऑफिसर बनना है इसको। हाँ हाँ, लेकिन पढ़ाई में तो अभी दिमाग लग ही नहीं रहा है उसका, बेटी का एग्जाम दो तीन नंबर से पीछे आने के योग बन रहे हैं। काल दोष के कारण इसका, इस बेटी का शनि, आप आईएएस बनाना चाहते हैं तो आईएएस बनाने के लिए इसको सटीक न्याय भी तो मिले, और न्याय के देवता है इसके शनि, बहुत अच्छे स्थान पे नहीं है। शनि को उच्च का बनाए, शनि को प्रबल बनाए तो आईएएस के योग बन जाएंगे। आईएएस बनाना है इसको तो कालसर्प योग की शांति करावे और शनि जाप करावे, नीलम धारण करवा देना जीवन भर के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, और शनि जाप करवा दें, नीलम धारण करवा दें, फिर इसके योग बन जाएंगे बेटी के। ठीक है बेटा, आगे बोलिए। अभी मेरा, मुझे बताइए आप अपने जीवन में संघर्ष बहुत किए हैं बेटे, इसके बाद भी आपने हार नहीं माना। जीवन में आपने बड़े सोच और समझ करके निर्णय लिए हैं, और आपको अपनों ने साथ नहीं दिया, आपके अपने यानी परिवारजन, उन्होंने आपको समझने में देर कर दी। सबको लेके चलने की कला थी आपके अंदर कि मैं सभी को लेके चलूंगा, परिवार के साथ रहूंगा, लेकिन आपके ही परिवार ने आपको नहीं समझ पाया। सही है कि नहीं बेटे? सही है। हाँ, और सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करते हैं शुरू से ही। और आय के स्रोत में वृद्धि होते रहे, भगवान गणेश की आराधना आप करते रहे। हाँ, स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देना है आपको। स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देने का मतलब है कि शीत संबंधी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। कौन सी? शीत, ठंड। अच्छा, ठंड संबंधी। अच्छा, और उसके लक्षण है हार्ट में आपको घबराहटपन, धड़धड़ाहट, घबराहट, थोड़ी थोड़ी बातों में मतलब कोई ऐसी प्रेशर वाली बात आई तो घबराहट चालू हो जाना अचानक ही, और फिर आप अपने आप को बहुत संभालते हैं, हल्का फुल्का ट्रीटमेंट लेते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। शीत संबंधी परेशानियों से आपको बचना है, बाकी ठीक है। बाकी और क्या क्या जीवन में, लाइफ में पैसा अड़का कैसा रहेगा, यानी पैसों की आवक, ये वो करते हैं। पैसों की आवक में तो अभी ब्रेक लगा हुआ है, आय के स्रोत बन रहे हैं लेकिन जाने के भी पैर बने हुए हैं। अच्छा, और लक्ष्मी स्थिर रुके। मैं थोड़ा सा इनडायरेक्टली आपको बोली कि भगवान गणेश की आराधना करें तो सिद्धि बुद्धि दोनों की कृपा होगी आपके जीवन में। अच्छा, हाँ, और मैं, मुझे बताइए ये मेरे बेटी को जो उसको बोलते कि रात में घुंघरू के आवाज आते हैं, ये कैसे आते होंगे, क्या क्या लक्षण है बेटे? काल दोष है, काल समझते हैं क्या होता है? काल सर्प योग, काल से तो सभी लोग डरते हैं। हाँ, काल सर्प योग में प्रेत योग बनता है।